वाराणसी का रथ यात्रा मेला सैकड़ों वर्ष पुराना है। जहां यह मेला लगता है उस एरिया का नामकरण ही रथ यात्रा कर दिया गया है। लोग इस मेले के चलते उस क्षेत्र को रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। सुबह से ही भगवान जगन्नाथ का रथ लग जाता है, उस पर उनकी मूर्तियां विराजमान हो जाती हैं। श्रद्धालु जन आकर के नान खटाई और तुलसी का प्रसाद चढ़ाकर अपनी मनौती मानते हैं और श्रद्धापूर्वक दर्शन कर मेले का आनंद लेते हैं। विदित हो कि भगवान जगन्नाथ को काशी में नान खटाई का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। यह मेला 3 दिनों तक काशी में चलता है। आज प्रथम दिन है। मेले की शुरुआत आज सुबह से हो गई है। प्रशासन की तरफ से विशेष पुलिस बल और रूट डायवर्जन कर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाता है। यह मेला काशी का परंपरागत बहुत प्राचीन मेला है। कितने साल से यहाँ पे रथ यात्रा चल रहा है। हम भक्तों के उनकी असीम कृपा है। इतनी कृपा है कि हम पूरे परिवार के साथ जब से होश संभारे तो आ रहे यहाँ पे, और ऐसे ही प्रभु की कृपा हम सब पे बनी रहे, यही जगन्नाथ से विनती। और हर साल प्रतिवर्ष इस मास में रथ यात्रा का मेला मनाया जाता है। रथ यात्रा का मेला विशेषता जगन्नाथपुरी का मेला है। वहाँ पर हर साल 15 दिनों के लिए जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं, जिनकी मूर्ति गुड़ीचा माता मंदिर में रखी जाती है। जब ये 15 दिन के बाद उठते हैं तो उनका रथ उठाया जाता है, जिसे जगन्नाथपुरी मंदिर में फिर ले जाकर रखा जाता है। और उसी त्योहार को मनाने के उपलक्ष्य में हम लोग पूरे देश में जगन्नाथ यात्रा की ये त्योहार को मनाते हैं। ये मेला सैकड़ों वर्ष से यहाँ पे लग रहा है और ये 3 दिन का मेला होता है। इस बनारस में सभी देवी देवताओं का बहुत महत्व है।